ऑक्शन में 10 सबसे महंगे खिलाड़ी कौन से बने इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है सैम करन का, जिन्हें पंजाब किंग्स ने ख़रीदा है और ये ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं और इन्हें पूरे 18.50 करोड़ खरीद में खरीद कर पंजाब किंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया है। दूसरे नंबर पे आते हैं मुंबई इंडियंस ने जिन्हें लिया है, वह है कैमरॉन ग्रीन। ये ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर हैं और इन्हें भी 17.5 करोड़ में खरीद कर मुंबई इंडियंस ने अपने टीम में शामिल किया है। तो ये दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बनते हैं। इसके बाद तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं बेन स्टोक, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने ख़रीदा है। ये भी ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, इंग्लैंड के हैं और इसके अलावा इन्हें 16.25 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग्स ने ख़रीदा है। इसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं निकोलस पूरट, ये वेस्ट इंडीज के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और इन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने पूरे 16 करोड़ में खरीद कर अपनी टीम में शामिल किया है। इसके बाद हम आगे देखते हैं तो हैरी ब्रुक, ये इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं और इन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने ख़रीदा है पूरे 13.25 करोड़ देकर। इसके बाद अगले जो बल्लेबाज हैं वह है मयंक अग्रवाल, ये बैट्समैन हैं, इन्हें भी सनराइजर्स हैदराबाद ने ख़रीदा है और इन्हें 8.25 करोड़ में खरीद कर अपनी टीम में शामिल किया है। अगले जो हैं प्लेयर वह है गुजरात टाइटंस ने ख़रीदा है शिवम माबी को, ये बॉलर हैं और इन्हें 6 करोड़ में खरीद कर अपनी टीम में शामिल किया है। अगले जो हमारे प्लेयर हैं वह है जेसन होल्डर, ये ऑलराउंडर हैं, वेस्ट इंडीज के हैं, इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने पूरे 5.75 करोड़ में शामिल किया है। इसके बाद अगले प्लेयर हैं मुकेश कुमार, इन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने ख़रीदा है, ये बॉलर्स हैं और इन्हें 5.5 करोड़ में इन्हें ख़रीदा गया है। इसके बाद जो आखिरी बल्लेबाज हैं 10वें नंबर के हेनरिच कलेसन हैं, ये साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने ख़रीदा है और इन्हें 5.25 करोड़ में अपनी टीम में खरीद के। ये 10 प्लेयर हैं जिन पर सबसे ज़्यादा बोली लगी हुई है इस IPL में।